हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी जल फैजी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और बेल का बटन आप ज़रूर दबाइए सबसे पहले मेरा वीडियो देखने के लिए। और देखते इसमें क्या लगता है और कैसे बनता है। ये मैंने गोभी लिया है 4 छोटे कप, आधा किलो के लगभग है, और उसको मैंने कट कर लिया है ऐसे। और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया 2-3 पानी से, और उसके बाद मैंने इसको आधा घंटे तक हल्दी 1 चम्मच और 1 चम्मच नमक के पानी में इसको भिगो के रखा था, जो इसमें के कीटाणु होंगे और जो भी हो कचड़े होंगे ये साफ हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। इसको मैंने कट कर लिया है। और 3 बड़े चम्मच मैंने धनिया लिया है, हरी पत्ती काट लिया बारीक, और 2 टमाटर का मैंने प्यूरी लिया है, आधा टेबल स्पून मैंने जीरा लिया है, 3 मिर्ची लिया है, अगर आपको चाहिए तो लीजिए नहीं तो अवॉइड करिए इसको, और अदरक मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, काट लिया है छोटे छोटे, 2 अखा सूखी लाल मिर्च, और आधा टेबल स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, आधा टेबल स्पून विनीगर लिया है सिरका सफ़ेद, और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार, और 3 टेबलस्पून ऑयल लेंगे हम। अभी देखते हैं हम कैसे बनता है। मैंने गैस पे कढ़ाई रख लिया है, गैस को मैंने ऑन कर दिया है और गैस को मैंने फास्ट रखा है, और मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाला है। तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे जीरा, भून लेंगे थोड़ा, उसके साथ में हम लाल मिर्च अखा सूखा लाल मिर्च मैंने 2 लिया था उसे भी हम भून लेंगे। थोड़ा भून लीजिए और अभी इसमें हम फ्लावर डाल देंगे। फ्लावर को अच्छे से हम भून लेंगे इसमें। मैंने गोभी को थोड़ा भून लिया फ्लावर को। अभी इसमें हम काली मिर्च पाउडर, अदरक, और हरी मिर्च, और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे इसमें। इन सबको भी अच्छे से भून लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अच्छे से आप मिक्स करिए। थोड़ा देर पकने देते हैं, अच्छे से चला दीजिए, और गैस को हम एकदम कम कर देंगे और ढक्कन लगा के 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। 10 मिनट तक हम पकने देते हैं, ढक्कन हटा के रख लेते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम आप चलाते रहिए ढक्कन हटा के, ये नीचे से जलने ना पाए। गैस को एकदम कम रखेंगे हम, इसको आप 10 मिनट तक पकाइए या फ्लावर जब तक ना गल जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इसको ढक्कन लगा के हम फ्लावर के गलने तक पकने देते हैं। अभी ढक्कन हटा के हम देख लेंगे, और इसको मैंने बीच बीच में चलाते हुए पकाया है तो ये ऐसे आप दबा के देख लीजिए, तोड़ के ये अच्छे से टूट रहा है, तो फ्लावर हमारा पक गया है। अभी इसमें हम टमेटो प्यूरी जो मैंने बनाया था वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से भून लेते हैं और इसके साथ में विनेगर डाल देंगे। एक छोटा चम्मच लिया था मैंने। और गैस को थोड़ा फास्ट कर देंगे। एक उबाल आने देते, पकने देते, एक बार बॉईल आने देते इसमें। अभी इसमें हरा धनिया डालेंगे हम और इसको जस्ट मिक्स करेंगे। कितना अच्छा कलर आया और इसकी खुशबू भी अच्छी आ रही है। अभी हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। अभी एक सर्विंग प्लेट में मैं निकाल लेती हूँ। ये मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया से हम गार्निश कर लेंगे। ये हमारा गोभी जल फैजी बनके तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप इसको फुलके के साथ में सर्व करिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और फिर से मिलते हैं हम नए रेसिपी के साथ में। बाय फ्रेंड्स।